सन 1630 से 80 के बीच का वो दौर जब महाराष्ट्र की सरजमीन पर एक महान नायक का उदय हुआ। एक ऐसा महान योद्धा जिसने पूरे देश पर अमिट छाप छोड़ी। 2 लाख लोगों को नियंत्रित करने वाला कुशल संचालक, एक सक्षम प्रशासक जिसका संचालन का तरीका लोकतांत्रिक था, हर हर महादेव, एक विश्व प्रसिद्ध नेता जिसमें अपने विशाल साम्राज्य को चलाने की असाधारण खूबियां थी, तकनीक में विश्वास रखने वाला, 300 से भी ज्यादा किलों का निर्माता, पहला राजा जिसने नौसेना का निर्माण कर भारत के लंबे पश्चिमी तट पर एक अद्भुत रक्षा कवच बनाया, एक महान योद्धा जिसने गुरिल्ला युद्ध का आविष्कार किया। आइए देखते हैं और जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में और भी बहुत कुछ, सिर्फ शिव सृष्टि पुणे में। चलते हैं एक महान वीर, प्रेरणा के स्रोत शिवाजी महाराज और उनके दौर से जुड़े मंजर की ओर। ये है शिव सृष्टि, एक सोच जिसे हमने हकीकत में बदला। यहां आप शिवाजी महाराज से जुड़े हुए कई अनछुए पहलुओं को देख पाएंगे, जैसे शिवाजी का सुशासन और उनका स्वराज्य, बेमिसाल किलों के आर्किटेक्चर की कला के दृश्य, उनकी दूरदर्शिता और राजनीति से जुड़े कदम। ये है शिव सृष्टि का भव्य और विशाल प्रवेश द्वार, जिसमें प्रवेश करते ही आप मानो 16वीं सदी में पहुंच जाएंगे। यहां से चलकर हम पहुंचेंगे सेंट्रल प्लाजा, जहां आपको दिखाई देगी छत्रपति शिवाजी महाराज की भव्य प्रतिमा। क्या आप जानते हैं शिवाजी इतिहास के पहले पर्यावरण प्रेमी व्यक्ति थे, जिन्होंने जंगलों में वृक्ष काटने से संबंधित स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए। सरकार वाड़ा, जो कि प्रशासनिक कार्यालय है, सरकार वाड़ा पहले से ही स्थल पर बनाया जा चुका है। थोड़ा आगे चले एंट्रेंस गैलरी की तरफ, इस विशाल और खूबसूरत लॉबी को उस दौर की वास्तुकला को ध्यान में रखकर ही बनाया गया है। ये है गैलरी एरिया, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज से जुड़ी घटनाओं को उजागर करती ये कलाकृतियां, जैसे शिवाजी का जन्म, सबसे पहले लड़ी लड़ाई, शिवाजी और अफजल खान की लड़ाई। गैलरी एरिया से आगे आप पहुंचेंगे पाली दरवाजा की ओर, जो कि रायगढ़ किले के दरवाजे का प्रतिकृति है। यहां से आगे बढ़ने पर आप पहुंचेंगे एग्जिबिशन एरिया की तरफ, जहां आप देखेंगे 16वीं सदी की कई अनमोल सौगातें, शिवाजी महाराज की कुल देवी मां भवानी का मंदिर, उनकी प्रेरणा और शक्ति का केंद्र। ये है राज्यसभा का मुख्य द्वार, ये वही जगह है जहां पर सारे प्रशासनिक फैसले लिए जाते थे, वो भी जनता के बीच। शिवाजी का सिर्फ 8 मंत्रियों का मंत्रिमंडल था, जिसे कहा जाता था अष्ट प्रधान। अनेक विभागों को अष्ट प्रधान के बीच इस तरह बांटा गया था कि वो अपने क्षेत्रों का विकास सर्वोत्कृष्ट रूप से कर सकें। ये है माची, जहां से पड़ोसी क्षेत्रों और दुश्मनों की हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जाती थी। मराठा नेवी, यहां आपको दिखाई देंगे शिवाजी के सैनिकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले
नौसैनिक जहाज और उपकरण। शिवाजी सदी के पहले राजा थे जिन्होंने नौसेना का निर्माण किया और उसे विकसित किया। इस द्वार से आगे बढ़ते हुए हम पहुंचेंगे बाजार पेठ में। ये बाजार बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि उस समय था। यहाँ पर उस समय लोग रोजमर्रा की चीजों को खरीदने के लिए आया करते थे। शिल्पग्राम, ये जगह शिवाजी के दौर के गांव का एक प्रतिरूप है, बिल्कुल वैसा जैसा 16वीं सदी में था। 21वीं सदी में बनाया गया 16वीं सदी का ये प्रतिरूप, ये शिव सृष्टि सिर्फ एक मनोरंजन की जगह नहीं है, ये एक प्रेरणा का स्रोत है, ज्ञान का भंडार है। चाहे आप कोई भी हो, व्यापारी, नवयुवक, छात्र, मंत्री या आम आदमी, हमें यकीन है शिव सृष्टि में आने के बाद आपके जीवन में चेतना का नया संचार होगा जो आपको जीवन में आगे बढ़ने में प्रेरित करेगा और सफलता की ऊंचाइयां छूने में मदद करेगा। छत्रपति शिवाजी महाराज के इतिहास का साक्षी बनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।